जाति आधारित जनगणना सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आगामी 25 मई को भारत बंद की घोषणा की। यह जानकारी आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सोमवार को दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस महमदपुर के निकट मंडल कार्यालय के नजदीक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेखा प्रजापति, प्रदेश प्रभारी रविन्द्र वर्मा, जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव, नंद कुमार साह, सुरेंद्र यादव, संतोष साह, मोहम्मद तबरेज एवं कुमार अंबुज ने भाग लिया। इस दौरान वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी रविन्द्र वर्मा ने बताया कि ईवीएम मशीन से यदि भारत सरकार चुनाव कराती है तो वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची का 100% मतदान से मिलान करे। ईवीएम से चुनाव अगर भारत सरकार चुनाव आयोग कराना चाहती है तो ईवीएम के साथ जो वीवीपैट मशीन है उससे निकलने वाले पर्ची का 100% मिलान होना चाहिए, अन्यथा बैलेट से होना चाहिए, ईवीएम हटा देना चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। संतोष सहनी भारत में ओबीसी को सबसे बड़े वर्ग बताते हुए जिलेवासियों एवं छात्र छात्राओं से अपील किया है कि आगामी आने वाले 25 मई को भारत बंद के दौरान परेशानी से बचे। इस मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद किया जा रहा है और भारत बंद किया जा रहा है और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात जो है जनता को मैं बताना चाहता हूँ, ताकि 25 तारीख को जब भारत बंद हो तो बेगूसराय जिला का जो विद्यार्थी है, वर्कर हो, उसको किसी तरह का व्यवधान ना हो। नंद कुमार साह ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने के द्वारा 25 मई को भारत बंद है। उन्होंने मुख्य मुद्दा ओबीसी को बताया। उन्होंने कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 10 वर्ष पर सभी संवैधानिक जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 25 मई भारत बंद है, इसमें मुख्य मुद्दा है ओबीसी की जातीय जनगणना। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं लेकिन ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं हुई है, और संविधान में ये प्रावधान है कि हर एक 10 साल पर जितनी भी संवैधानिक जातियां हैं सभी की गिनती होनी चाहिए। तो अब बादर की तो हो रही है लेकिन पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पिछड़ा वर्ग का नहीं हो रहा, जबकि आज़ादी में आबादी में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा यही मांग है कि ओबीसी की जातीय जनगणना हो, क्योंकि संवैधानिक हक है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसके साथ ही महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सदस्य रेखा प्रजापति के साथ साथ पुलेंदु यादव एवं मोहम्मद तबरेज ने अपनी अपनी बातों को रखा। महिला का भी है और महिला पूरे भारत में 50% पाई जाती है और 50% महिलाओं में से प्रत्येक दिन 5-10 मिनट पर उस पर अत्याचार होता है। जो 64 दिन के अंदर लॉकडाउन में पता चला 3,11,000 महिलाओं पर केस हुआ, तो इससे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कितना महिला प्रताड़ित होती है और उस प्रताड़ित में मतलब जो 10% ही उभर कर आए होंगे तो उतना आंकड़ा आया मात्र 64 दिन में। और साल का अगर आंकड़ा लगाएं तो कितना होगा। तो मैं अगर सरकार हमारी अगर होती तो आज महिलाओं को इतना प्रताड़ना से झेलना नहीं पड़ता, जहर खा के मरना नहीं पड़ता। बहुत सारी सरकार हमारी दहेज प्रथा बहुत सारी व्यवस्था की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आए दिन आप लोग देखते होंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग जानते होंगे कि आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होता है। किसी महिलाओं को जहर खिला के मार दिया जाता है, किसी को आग लगा के, किसी को सामूहिक बलात्कार। तो इस तरह का जो है व्यवहार बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं इस भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में भी ये मेरा मुद्दा शामिल है, इसलिए मैं इसे समर्थन करती हूँ और आगे भी समर्थन करती रहूँगी। चूँकि हमारा यहीं पर समाप्त, सिर्फ भारत बंद ही समाप्त नहीं होता है, अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है तो इससे बहुत बड़ा चरणबद्ध आंदोलन फिर हम लोग करने के लिए तैयार हैं और आगे करते रहेंगे। भारत बंद कर रहे हैं हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज है। भारत बंद जो हम लोग कर रहे हैं इसमें 11 मुद्दा है, तो जिसमें चौथा चरण का आज लास्ट 25 मई को मेरा आंदोलन है। इसमें सरकार अगर नहीं मानती भारत बंद का, जिसमें ओबीसी का जाति आधारित गिनती है सबसे पहला पॉइंट, अगर इसमें नहीं मानती है तो हम लोग पूरे राष्ट्र स्तर पर पूरे देश को फिर बंद करेंगे। हमारे वामन मिश्राम साहब भी अनाउंस कर चुके हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो साल में 12 बार भी बंद करना पड़े तो करेंगे, लेकिन जाति आधारित गिनती हम करवाएंगे। क्योंकि मेरा आबादी, हम भी ओबीसी से आते हैं, मुस्लिम समाज से, लेकिन ओबीसी से आते हैं, तो हम लोग का आबादी 60% आसपास है।
तो 60% के आसपास रहते हुए भी हम लोग को कहीं पर मतलब हम लोग का सीट नहीं मिला हुआ, हम लोग को 27% आरक्षण दिया गया, उसमें 27 में से 4% लगभग अभी हम लोग शासन सत्ता में है, बाकी हमारी आबादी जो भौंक रही इधर उधर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार आपको पिछड़ा वर्ग मिलेगा, सबसे ज़्यादा परेशान पिछड़ा वर्ग मिलेगा। हमारे महापुरुष बोले थे ना कि सौ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो हम लोग 100 में 60 पाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा आबादी कहीं पूछ देखा नहीं जा रहा, हमसे सिर्फ वोट लिया जा रहा है, इसको यूज़ करके फिर हम लोग को छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के टाइम में, उसके बाद फिर हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं है समाज। इसी मांग को लेकर जी इसी मांग को लेकर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, सरकार नहीं मानेगी इसे और आगे उसके लिए इंतजाम किया जाएगा, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है पिछड़ा भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 25 मई का जो भारत बंद है, हम कम समय में बेगूसराय आवाम तक मैसेज मीडिया बंधुओं से पहुंचाना चाहता हूं कि जो ओबीसी के जातीय आधारित जनगणना के मुद्दा पर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, इसी मुद्दा के लेकर आज का जो प्रेस वार्ता किए हैं, इससे पूर्व में भी हम 18 अप्रैल को जो धरना प्रदर्शन किए थे, ये मेरा चौथा चरण है जो लास्ट भारत बंद है, तो हम आप लोग से यही निवेदन करना है कि पूरे बेगूसराय जिला में और पूरे भारत में आप लोग माध्यम से ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि ये पिछड़ों की हकमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसी के लेके जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत बंद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी जिला महासचिव होने के नाते हम इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को समर्थन अपना दे रहे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।